पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब जमरूद खान सैफी साहब जद्दा से हमारे साथ थे। हमारे शुरका में इस वक्त एक बहुत ही सीनियर शायर मौजूद हैं, लेकिन उनकी तबीयत कल से नासाज है। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है और मुझसे कहा है, हुक्म दिया है कि मैं मुझे जल्दी बुलाया जाए। तो मैं उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उनके दो अशार के साथ उनको दावत कलाम देने जा रहा हूँ कि खल्लाक़े कायनात की हमदो सना के बाद सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, और वजहे वजूदे आलम इमका है उनकी जात। वजहे वजूदे आलम इमका है उनकी जात, उनसे अजीम तर नहीं कोई खुदा के बाद। मोहतरम जनाब अहमद अली बरकी आजमी साहब से उन्हीं के कहने के मुताबिक दावत कलाम दे रहा हूँ। मोहतरम अहमद अली बरकी आजमी साहब, ये किसके नाम से काफूर तीरगी हुई है, ये किसके नाम से काफूर तीरगी हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। सुभान अल्लाह, सभी का नूर है वजहे वजूदे कौनो मका, सुभान अल्लाह, सभी का नूर है वजहे वजूदे कौनो मका, वजहे जात की जोबार चांदनी हुई है। सुभान अल्लाह, चांद की जोबार चांदनी हुई है, उन्हीं के नूरे बसीरत का फैज है जिससे, उन्हीं के नूरे बसीरत का फैज है जिससे हमारी मसले अनवार जिंदगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, जिससे हमारी मसले अनवार जिंदगी हुई है। उन्हीं को सिर्फ है मेराज का शरफ हासिल, उन्हीं को मेराज का शरफ हासिल, किसी को क्या यह सादत अता कभी हुई है, चांद की है चांदनी का वो जलवा, भारत के चांद की है चांदनी का वो जलवा, फलक पे नूर की चादर जो ये तनी हुई है, नूर की चादर जो ये तनी हुई है, आलम इमका है मुनसिर जिस पर, आलम इमका है मुनसिर जिस पर ये कायनात उसी नूर से सजी हुई है। सुभान अल्लाह, ये फैज आम शरीयत है जिससे है बरकी, ये फैज आम शरीयत है जिससे है बरकी, जहाँ में शमय हिदायत अभी जली हुई है। सुभान अल्लाह, शमय हिदायत अभी जली हुई है, ये किसके नाम से काफूर तीरगी हुई है, बहुत मुरस्सा, बहुत कर रहे थे डॉक्टर अहमद अली बरकी आदमी।